अलैकुम। ये जो सामने लगा हुआ है ये है FTH, जैसा कि इसके ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है, PTCL FTH 101 मंगला कैंप लाइटेक का ये बना हुआ है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि वर्क कैसे करता है। ये जी फोन का FTH है जो हमारा पीछे OLT से कनेक्ट होता है, और OLT हमारी एक्सचेंज से कनेक्ट होती है, और उससे फिर हमारा सारा ये नीचे इसका हैंड होल है, इसमें इसके जॉइंट्स लगे हुए हैं। ये सामने ये हैंड होल है, वो सामने हैंड होल है, एक रोड के उस तरफ हैंड होल है और उस तरफ। तो ये जो जी फोन नेटवर्क सारा चलता है FDH से चल रहा होता है। तो FDH वर्क कैसे करता है, ये सारी इसकी स्प्लिटर्स और जो इसके अंदर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की केबल्स आई होती हैं वो सारी यहाँ पे होती हैं। अब वो वर्क कैसे करती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये नीचे डिस्ट्रीब्यूशन की फ़ाइबर आई हुई है, ये 12 की फ़ाइबर है, ये भी 12 की फ़ाइबर है, ये 24 की फ़ाइबर है, ये 12 की फ़ाइबर है, ये 24 की फ़ाइबर है, ये 48 की फ़ाइबर है, और ये हमारी मेन केबल आ रही है फीडर की, इसे हम बोलते हैं फीडर फाइबर, जो हमारी मेन एक्सचेंज से कह लें या OLT से जो फाइबर आ रही होती है, सारी पावर हमारी इसके अंदर होती है। ये मेन जो फीडर फाइबर हमारी आती है ये पीछे OLT से कनेक्टेड होती है। जो हमारी फीडर आ रही है ये बिल्कुल ऊपर हमारी यहाँ फीडर लगी हुई है, सबसे ऊपर फीडर स्पर और फीडर रिंग। ये जो पहली ट्रे है, पहली ट्रे इसके अंदर हमारी फीडर आई हुई है, फीडर जिससे ये पूरा सिस्टम हमारा पावर अप हो जाता है। जब तक फीडर नहीं लगाएंगे और फीडर पावर अप नहीं होगा OLT से तो ये FDH वर्क नहीं करेगा। तो इसके बाद इसमें ये स्प्लिटर्स लगे होते हैं, ये आप देखें, स्प्लिटर 1, स्प्लिटर 2, स्प्लिटर 3, उसके बाद स्प्लिटर 4, 5, 6, 7, 8 और कुछ स्प्लिटर ये नीचे लगे हुए हैं। तो जो हमारी केबल वो पावर आ रही होती है OLT से एक्सचेंज साइड से, वो हमारी आ जाती है ऊपर फीडर में। ये ऊपर वाली ट्रे फीडर की है, इसमें आ जाती है। ये आपको स्प्लिटर्स की वायर्स नज़र आ रही होंगी, ऑरेंज ब्लू और ये वाली येलो वाली। तो जब इधर आती है ना ऊपर, तो इसको फिर हम स्प्लिट करते हैं, इसकी स्प्लिटिंग रेशियो होती है, इसको हम स्प्लिट करते हैं। मतलब इधर जो पावर आ रही है ना ये हम ऐसे ही आगे नहीं देते, इसको स्प्लिट करेंगे। ये स्प्लिटर्स की एक इन आएगी, वो इधर लगेगी, और इसकी 4 आउट होंगी, या 2 आउट वाला है, या 4 वाला है, या 32 वाला, वो उसे चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पहली पोर्ट पर पावर आई, ठीक है, ये पहली पोर्ट पे पावर आ रही है, हमने इसको 32 में कन्वर्ट करना है। तो ये नीचे 32 का स्प्लिटर लगा हुआ है, इन वन इन टू, एक स्पर के लिए, एक रिंग के लिए, और ये देखें इसकी जो आखिरी पोर्ट है वो 32 है। ये इधर से आएगी, इधर से इसकी एक इन पे लग जाएगी, एक इन पे लगेगी। अब इससे हम 32 आउट्स ले सकते हैं, 32 आउट जो हम लेंगे वो नीचे जो हमारे ये फाइबर जा रही हैं ये वाली, ये हमारी यहाँ पे पहले स्प्लाइस हुई हुई है इन ट्रेस के ऊपर, वो यहाँ इसकी इन पे लग जाएगी, ट्रे 1 पे या ट्रे 2 पे, ट्रे 3 पे, जिस पे वो होगा। जब उस पे लगेगी तो वो घर या फैट लगा होगा या नैप होगा, इधर होगा या उधर होगा, जिस घर पे होगा वो पावर अप हो जाएगा, वो चल पड़ेगा। ये इसी तरह उसके बाद हमारे ये 2x2 के स्प्लिटर हैं, 2x4 के वो ऊपर रखे हुए हैं, वो भी यहाँ फीडर से एक इन आएगी, इसकी इन पे लग जाएगी, ठीक है, तो ये पावर अप हो जाएगा। फिर इसकी 4 आउट जा रही हैं, ये देखें यहाँ से इसके 4 आउट हैं, ये 2x2 का, इसकी 2 आउट है, तो वो इससे हमारे फैट चल रहे हैं, वो फैट जहाँ लगे होंगे इस बिल्डिंग में होंगे या जिस बिल्डिंग में भी होंगे वो उसे चल जाएंगे। ये हमारी FDH की कंप्लीट वर्किंग होती है। फीडर होती है, उसके बाद ट्रेज होते हैं, नीचे हमारे स्प्लिटर्स होते हैं, और स्प्लिटर से ये सारा कुछ हमारा सिस्टम जीपोन FTH, हमारा FTTH जिसे कहते हैं, वो सारा सिस्टम चल रहा होता है।